कैसे मेडिकेटेड हवा, मेडिकेटेड पानी और मेडिकेटेड खाने से ट्रीटमेंट होता है, बॉडी की हर एक एक कोशिका को कैसे हम टॉक्सिन्स फ्री करते हैं, कैसे उसके अंदर हम औषधि पहुंचाते हैं, ये आप पतंजलि के अंदर देख रहे हैं। पतंजलि वेलनेस के अंदर 50 प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, मेडिकेटेड पेय। यहाँ पर जो रोगी आता है उसको केवल योग प्राणायाम आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं दी जाती, बल्कि उसका पानी भी जो वो पीता है, लिक्विड वो जो लेता है, वो भी मेडिकेटेड होता है। यहाँ पर 50 प्रकार के पेय बनाए जाते हैं, काढ़े क्वाथ बनाए जाते हैं, आप देख रहे हैं ये गिलोय का पेय है, गिलोय का काढ़ा, गिलोय की वटी, गिलोय के ट्रीटमेंट के साथ साथ दिन भर जो रोगी पानी पीता है वो गिलोय का पानी पीता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, आप सब ने देख चुके हैं कि गिलोय कैसे बीमारियों को दूर करता है। ये आप गोखरू का पेय देख रहे हैं, जिनको यूरिनरी ट्रैक की कोई भी बीमारी है, जिनको यूरिनरी इन्फेक्शन है, जिनको पेशाब नहीं आता, जिनको किडनी के कारण रुक रुक कर आता है, वो सब इससे ठीक होता है। ये आप देख रहे हैं एंटी डायबिटिक पे, इसके अंदर गिलोय, कुटकी, चिरायता, कालमेघ और विजयसार है। ये 5 जड़ी बूटियों को मिलाकर ये पेय बनाया गया है। डायबिटीज के रोगी को दिन भर यही पानी यहाँ पर पीना होता है और ये सारा ट्रीटमेंट के पैकेज के अंदर ही होता है। सर्वकल्प क्वाथ, जिनको फैटी लीवर है, जिनको लीवर की दिक्कत है, उसके लिए सर्वकल्प क्वाथ ये पूरी बॉडी को कायाकल्प कर देता है। लीवर को ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि लीवर हमारे शरीर का पावर हाउस है, अकेला लीवर हजारों प्रकार के फंक्शन हमारी बॉडी में करता है। तो इस लीवर को ठीक करने के लिए सर्वकल्प मतलब इसमें 3 जड़ी बूटियां हैं, इसमें मकोए हैं, इसमें भूमि आंवला है, इसमें पुनर्नवा है। ये पीड़ानील का पेय है, पीड़ानील में जिनको शरीर में दर्द रहता है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको नर्वस सिस्टम में दर्द रहता है, उनके लिए पीड़ानील पेय उनको दिन भर दिया जाता है। ये मेधा क्वाथ, मेधा का पेय है, जिनको सिर दर्द रहता है, जिनको डिप्रेशन रहता है, जिनको एंजाइटी रहती है, जिनको नींद नहीं आती, उनके लिए ये मेधा पेय है। धनिये का पेय, जिनको थायराइड है उनके लिए धनिये का पेय दिया जाता है, और भी कई बीमारियों में ये धनिये का पेय काम आता है, धनिये का पानी है। ये सौंफ का पेय है, जिनको एसिडिटी बहुत बनती है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ भी खा नहीं पाते, उनके लिए सौंफ का पानी दिया जाता है। जिनका पित्त बहुत प्रकोपित हो जाता है, ये सौंफ का पानी उनके लिए रामबाण का काम करता है। ये पंचामृत पेय है, इस पंचामृत में उत्तम जी बताइए पंचामृत में क्या क्या डालते हैं, गिलोय, तुलसी और इसमें 5 चीजें पड़ती हैं जी, जैसे कि किसी को अगर वात पित्त पेट से रिगार्डिंग कुछ भी समस्या होती है, 5 चीजों का नाम बता दीजिए। इसमें जीरा रहता है सर जी, सौंफ रहता है जी, और आपका गिलोय रहता है जी, और तुलसी रहती है। ये 5 चीजें बनके सर इसको बनाते हैं। बहुत अच्छा। ये पित्तहर है, जिनको पित्त बहुत प्रकोपित हो जाता है उनका ये पेय है। इसमें क्या डालते हैं उत्तम जी? साबुत धनिया होता है सर, वही होता है, इसमें साबुत धनिया का मात्रा ज्यादा रहती है, ज्यादा रहता है। ये श्वासारी पेय है, मुलेठी का। मुलेठी हमारे फेफड़ों को ठीक करती है, जिनको दमा होता है, अस्थमा होता है, सांस फूलता है, जिनको टीबी होगी उनके लिए फेफड़ों को ठीक करने के लिए श्वासारी पेय। अर्जुन की छाल, जिनको दिल की कोई बीमारी है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको एंजाइना पेन है, उनके लिए अर्जुन रामबाण है, ये अर्जुन का पेय है। दिन भर दिल की का कोई मरीज आता है, दिल की धड़कनें अनियमित हैं, दिल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें ये रामबाण है। गोखरू का पेय आप देख चुके हैं। ये टोटला क्वाथ है, टोटला क्वाथ भी हमारे शरीर को ठीक करने के लिए काम आता है, हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है। दशमूल क्वाथ है, ये एंटी डायबिटिक पेय है। ये कायाकल्प क्वाथ है, जिनको स्किन डिजीज है, जिनको कोई भी दाग धब्बे फुंसी, जिनको किसी भी प्रकार से ये स्किन की डिजीज है, उन सब में ये कायाकल्प पेय काम आता है। आंवले का पेय, आंवले को पूरी दुनिया का एंटीऑक्सीडेंट का सम्राट माना जाता है, विटामिन सी का सम्राट माना जाता है, पूरी दुनिया में एंटी एजिंग का सबसे बड़ी चीज आंवला है। इस आंवले का पेय भी यहाँ पर दिन भर पिलाया जाता है, इम्यूनिटी को एकदम हिमालय के शिखर पर यह पहुँचा देता है। ये बिलवादी पेय, बिलबिला पेय, इसमें उत्तम जी क्या क्या होता है? इम्यूनोग्रिट पेय, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए इम्यूनोग्रिट का पेय है। ये मेदोहर के है, जिनका मोटापा ज्यादा है उनको दिन भर ये पानी पिलाया जाता है जिससे उनका मेद कम हो जाए। ये अजवाइन का पेय है, इसी प्रकार से ये दिव्य पेय है। दिव्य पेय के अंदर लगभग 30-32 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। इस दिव्य पेय को पीकर ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कई बीमारियों में काम आता है। प्रकार के पेय बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर जो सांस लेते हैं वो मेडिकेटेड है, यज्ञ करते हुए जड़ी बूटियाँ डालकर सांस से जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, खाने में जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, पीने में जड़ी बूटियाँ दी जाती हैं, और जो आप योग प्राणायाम करते हैं शरीर के स्किन के एक एक रोम में जड़ी बूटियों वाले तेल से, जड़ी बूटियों वाले पानी से परिषेक किया जाता है, जड़ी बूटियों वाले तेल से पत्र पोटली की जाती है, मसाज की जाती है, शिरोधारा की जाती है, नाक के रास्ते से नस्य किया जाता है,
तो ये सारे बॉडी को पूरा डिटॉक्सिफाई करना, जैसे आपके घर में कोई स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, आप जाते हैं ना तो इंजन की ओवरहॉलिंग करवाते हैं, ऐसे ही पूरी बॉडी को ओवरहॉलिंग करने का काम पतंजलि वेलनेस में होता है। आपके को कोई गंभीर रोग है तो आप पतंजलि वेलनेस में आ सकते हैं। 8954-666-111 पर सीधे संपर्क करें। इंटरनेट पर किसी फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं आना है, यहां पर सीधे आस्था टीवी को देखकर यहां पर बुकिंग करवा सकते हैं। पट्टी बनवाएंगे हम।